दोस्तों सैमसंग लॉन्च कर चुका है M31, जिसे वो मेगा मॉन्स्टर बुलाता है। ये रहा इसका बॉक्स, आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या है खास। मेरा नाम है विपिन दुबे और आप देख रहे हैं टेक स्मार्ट। दोस्तों ये है लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी सीरीज का M31 बॉक्स, टिपिकल सैमसंग बॉक्स। फ्रंट पे M31 का लोगो है, साइड में ब्रांडिंग है M31 की, और ये है प्राइस इसकी 19,999। और राइट साइड में इसका ओसीन ब्लू कलर है, 6GB रैम है, 128GB वेरिएंट है, इस पर राइट डाउन हुआ है। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। ये रहा फ़ोन, और ये इधर छिपा हुआ सिम इजेक्टर टूल्स, इसको बाहर निकालते हैं पहले। ये रहा सिम इजेक्टर टूल, इसमें क्विक स्टार्ट मेनू और वारंटी कार्ड है, इसको साइड में रखते हैं। अब फोन को बाहर करते हैं, ये प्लास्टिक की रैपिंग में है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बैक साइड क्लासी लुक लग रहा है, और हाथ में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, पकड़ने में अच्छा बैक साइड। चलिए बैग में देखते हैं, बैग में फिंगरप्रिंट स्कैनर है और क्वाड कैमरा है इसमें, 64MP फ्रंट है और सैमसंग का लोगो लगा हुआ है। अब देखते हैं फ्रंट, फ्रंट में OLED डिस्प्ले है, मेन कैमरा 32MP है। ये साइड में इसमें ट्रिपल सिम स्लॉट है, इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें और ख़ास। स्टार्ट हो रहा है, ये है अडॉप्टर चार्जर जो 15 वाट आउटपुट के साथ आता है, साथ में USB-C टाइप केबल। इससे चार्ज करने से आपका फ़ोन जल्दी चार्ज होता है। इसको साइड में रख करते हैं सामने की तरफ, तो ये है 6.4 इंच सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, जहां है फुल HD डिस्प्ले। आप जानते ही होंगे सैमसंग का डिस्प्ले बहुत ही कूल होता है। इस पे प्रोटेक्शन लगी है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3G। इन्फिनिटी यू डिस्प्ले में ही 32MP फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा है। बात करते हैं सेटिंग की, तो इसमें One UI 2.0 बेस्ड लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 पर रन करता है। इसमें एक्जिनोस 9611, 2.3 GHz प्रोटेक्शन ऑक्टा कोर डिस्प्ले लगा हुआ है। माली G72 GPU के साथ ये 10 नैनोमीटर पर बना हुआ है। आइए देखते हैं इसका फिंगरप्रिंट कितना एक्यूरेट है। ये देखिए पहली बार पे ही खुल जाता है, अगर मैं इसको दूसरे हाथ से करता हूँ तो देखिए ये ओपन नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसका फिंगरप्रिंट जो आपने फिंगर लगाया हुआ है उसी फिंगर से ही ओपन होगा, काफ़ी एक्यूरेट है। क्विक स्टार्ट मेनू पे नज़र डालते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, फ्रंट को सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी रिच फीचर भी हैं, जैसे ब्लू लाइट फ़िल्टर भी है इसमें, स्कैन QR कोड है। ब्लू लाइट फ़िल्टर से ये बेनिफिट है आपका कि आपकी आई साइट कमज़ोर नहीं होगी। मोबाइल डेटा वाला भी ऑप्शन है, हॉट स्पॉट भी है, वाईफाई कॉलिंग भी है इसमें, मोबाइल हॉट स्पॉट भी है, और यहाँ पे अल्ट्रा डेटा सेविंग भी है, डॉल्बी ऑटम्स भी है, डेटा मोड भी है, और काफ़ी मोड है यहाँ, डू नॉट डिस्टर्ब का भी है, डार्क मोड और स्मार्ट व्यू का भी फीचर है।
बात करते हैं डिस्प्ले एंड साउंड क्वालिटी की। आइए देखते हैं क्या है इसकी साउंड क्वालिटी। बात करते हैं कैमरा की, तो क्वाड रियर कैमरा के साथ आता है। इसका मेन कैमरा 64 MP, दूसरा कैमरा 8 MP अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 5 MP माइक्रो और फोर्थ कैमरा 5 MP डेप्थ आता है। साइड में लिखा हुआ है, इससे आप आसानी से माइक्रो फोटो, अल्ट्रा वाइड फ़ोटो और डेप्थ फ़ोटो ले सकते हैं। इसमें लाइव फोकस जो डेप्थ फ़ोटो लेता है बहुत अच्छी आती है। मैं कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं वीडियो की, तो आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट बैक दोनों से। इसकी सेटिंग में जाके आप इसको 4K तक कर सकते हैं। नाइट मोड की फ़ोटोएं अच्छी नहीं आती हैं, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता तो शायद अच्छी हो सकती है। इसमें अल्ट्रा वाइड का अलग ऑप्शन दिया गया है, ये इससे आप अल्ट्रा वाइड कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छी डेप्थ मिलती है। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। मैं आपको बता दूं, स्पीड काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, गेमिंग काफ़ी अच्छी होगी इसमें। रैम 6 GB मिलती है, DDR4 रैम है, बैटरी 6000 mAh है, इसलिए इसे रियल मॉन्स्टर कह सकते हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।